हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न इलेक्ट्रोनेगेटिवीज नेगेटिविटीज लर्न करेंगे। तो पहले तो एक ट्रेंड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है फ्लोरीन की, एंड दैट इज़ 4। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर ग्रुप वाइज आऊँ तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो फ्लोरीन के पहले ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर कार्बन आता है। ठीक है, तो इस तरफ लेफ्ट साइड जाते हुए 0.5 0.5 डिक्रीज करती है, यानी कि इसकी 3.5 होती है एंड इसकी 3 हो जाती है एंड इसकी 2.5 हो जाएगी। ठीक है, फिर नीचे अगर फ्लोरीन से आए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी सबकी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन से नीचे आता है, ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर एंड नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फरस। हाइड्रोजन की याद रख लो, हाइड्रोजन की होती है 2.1। एंड फिर यहाँ पे क्या करना है, अब एक छोटी सी ट्रिक कंप्यूटर साइंस में नकल की, ठीक है, कंप्यूटर साइंस नकल, तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे इन दोनों की सेम हो जाएगी, इसकी भी 2.5 हो जाएगी एंड नकल की तो इसके भी सेम हो जाएगी। ठीक है, ब्रोमीन की याद करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ 2.8 एंड आयोडीन। हाँ, एक और लास्ट, एक CSI, बस एक ट्रेंड याद करना है, एक किसी चीज़ का फुल फॉर्म है CSI, कुछ भी बना लो, एंड CSI मतलब इसकी भी सेम हो जाती है यहाँ पे आयोडीन की। सो आयोडीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, 2.5। थैंक यू।